वेलकम टू माय चैनल जर्नी विद सरजे। तो गाइस आज की वीडियो बहुत छोटी होने वाली है क्योंकि इसमें एक खूबसूरत सी पोएट्री बोली जाएगी। वो पोएट्री मैंने नहीं लिखी है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिखी है। तो बेसिकली अगर आपने मेरा लाइव देखा होगा जो मैंने गिव अवे का किया था, उसमें उसको सेकंड प्राइज मिला था। उसको मिला था बोया M1 माइक। स्प्रिंटर मनी नाम से इंस्टाग्राम आईडी है एक, आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। तो वो घर आया था, उसने बहुत खूबसूरत पोएट्री लिखी है, बहुत छोटी सी और बहुत खूबसूरत सी पोएट्री है। तो आइए उसका आनंद लेते हैं, रक्षाबंधन के इस खूबसूरत से पर्व को और खूबसूरत बनाते हैं। आप सबको सपरिवार रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए इसी के साथ इस पोएट्री को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मणिशंकर तिवारी आज रक्षाबंधन के शुभ उपलक्ष्य पर आपके समक्ष एक स्वयं रचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बहन। जैसे कि आप सब जानते हैं, रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच में प्रेम का त्यौहार होता है। ऐसे में हमारे बीच कई सारे हमारे ऐसे भाई भी हैं जिनके पास अपनी सगी बहन का सुख नहीं है, तो उनके लिए प्रस्तुत है मेरी एक कविता। काश मेरी भी कोई बहन होती, काश मेरी भी कोई बहन होती, वो मेरी बहन नहीं मेरी परी होती। काश मेरी भी कोई बहन होती, अगर होती वो मुझसे छोटी तो उसे खूब मैं खिलाता। अगर होती वो मुझसे छोटी उसे खूब मैं खिलाता, अगर होती वो मुझसे बड़ी तो उसका गुस्सा होने पर उसके गाल खींच मैं उसे मनाता। जिसकी बहन नहीं उससे पूछो उसका दर्द, जिसकी बहन नहीं उससे पूछो उसका दर्द, कितना उदास वो रहता है जब कलाई सुनी रहती है उसकी, तो कितना दर्द अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपाए रहता है। राखी के दिन भी जिस लड़के की कलाई सुनी रहे, राखी के दिन भी जिस लड़के की कलाई सुनी रहे, उससे बदकिस्मत लड़का कहाँ हो सकता है। बहन तो एक अनमोल तोहफा होती है, बहन तो एक अनमोल तोहफा होती है, पर हर किसी की किस्मत में कहाँ ही ऐसा अनमोल तोहफा होता है। दुनिया का सबसे खुश बंदा शायद मैं ही होता, दुनिया का सबसे खुश बंदा शायद मैं ही होता, अगर मेरे पास भी एक बहन रूपी तोहफा होता, अगर मेरे पास भी एक बहन रूपी तोहफा। हर प्यार मिला है मुझे, हर प्यार मिला है मुझे दुनिया में, यहाँ एक ही तो प्यार बस रह गया बकाया, क्योंकि मेरे जीवन में बहन की जगह अंधकार जो है छाया। कौन कहता है बेटियाँ माँ बाप पर बोझ होती हैं, कौन कहता है बेटियाँ माँ बाप पर बोझ होती हैं। अरे ये बेटियाँ ही तो है साहब जिनकी मेरे जैसे भाइयों को खोज होती है। मैं भी तो देता उसको हर राखी पर रक्षा का वादा, मैं भी तो देता उसको हर राखी पर रक्षा का वादा, पर मेरा तो है ही नहीं किसी से भाई बहन वाला नाता, भाई बहन वाला नाता। धन्यवाद। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये कविता पसंद आई होगी। तो गाइज इवनिंग के लिए रेडी रहना, इवनिंग में एक और व्लॉग आने वाला है जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ, एडिट भी एक संग करना है और निकालना भी इवनिंग तक, तो बहुत बिजी रहूंगा और आई होप मैं निकाल दूंगा, मैं निकाल ही दूंगा यार। तो मिलते हैं आपसे इवनिंग में, बाय।